दोस्तों ये बूरी पाड़ी का तो ब्रीडिंग हो गया है, दो तीन दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी, आप लोगों को बताया था। अब जो है चावल भी जो है ऐसा लग रहा है ब्रीड हो जाएगा। आज भैंसों में मैं देख रहा था आते आते एक पाड़ा जो है चावल के साथ साथ चल रहा था, अभी भी देखें वहाँ पे पाड़ा आसपास ही है चावल के, आगे पीछे चल रहा था। चावल का भी ब्रीड जो है अब हो जाएगा। आज भैंसों को मैं शाम को ले आया हूँ, बस अभी जो है 2 से 3 मिनट का सूरज बाकी है, बाद में सूरज ढलने वाला है। और एक झोंटी है मेरी भैंसों में, अगले 8 दिन के अंदर जो है ब्यात हो जाएगा झोंटी का, वो भी दिखा दे रहे हैं पीछे आ रही है। ये छोटा बुल, ये खड़ी है शुक के झाड़ी में, ये झोंटी लगभग अगले 8 दिनों के अंदर जो है बच्चा जन्म देगी। फिलहाल मेरे पास ये एक ही झोंटी है अभी, जो अगले कुछ ही दिनों में बच्चा देने वाली है, बाकी जो है सब काफ़ी टाइम निकालेंगे अभी। दोस्तों आज हमने गांव के पास में एक तालाब है, पूरा दिन वहां पर भैंसों को रोक लिया था, तालाब के आसपास भैंसें चरने गई थी और शाम को जो हमने पानी पिलाकर निकाला है। अभी सूरज कुछ देर बाद ढलने वाला है, अभी हम जंगल में भैंसों को ले जा रहे हैं, पूरी रात जो है भैंसों के साथ रहना है जंगल में और देखते हैं आगे क्या होता है। रात की भी कुछ वीडियोस में डालने वाला हूँ इस वीडियो, और साथ में मैंने पानी लिया है, ये पीछे आप देख सकते हैं, और ये शॉल ली है, ठंड पड़ेगी रात में इसलिए काम आएगी, और ये टॉर्च भी ले लिया, रात में अंधेरा काफ़ी होगा तो टॉर्च भी काम आएगी रात में। इसके अलावा मैंने एक माचिस भी ली है जेब में, ये बहुत ज़रूरी होता है जंगल में, कोई चीज़ ना हो तो चलेगा पर माचिस रखना बहुत ज़रूरी है। अभी सूरज ढल गया है, अंधेरा होने वाला है, रात जो होने वाली है थोड़ी देर में, देख सकते हैं सूरज जो है ढल गया है, अभी रात होने वाली है कुछ ही देर में। अभी जो है थोड़ा रास्ता और है, मुझे ले जाना पड़ेगा आगे भैंसों को, यहाँ पे खेत है। ये पहाड़ी का अभी ब्रीड नहीं हुआ है, ये आगे जा रही है इसका, और दूसरी ये है चावल, इसका भी ब्रीड नहीं हुआ, बाकी भैंसों का ब्रीड हो गया है। इसकी वीडियो मैंने डाली हुई है यूट्यूब और फेसबुक पर सेल के लिए, शॉर्ट वीडियो दोनों जगह पर मौजूद है। अभी रात के 9 बज गए हैं, वैसे भी जंगल में जो है आराम से चल रही है, मच्छर नहीं है यहाँ पर, मच्छर होता तो वैसे भागम भाग करती, अभी मच्छर नहीं है वहाँ पर, अपनी भूरी है और ये अपनी घंटी वाली भैंस, ये पाड़ा है अपना, दूसरी वैसे यहाँ पीछे खड़ी है, ये मेरी टॉर्च की लाइट में आप देख सकते हैं वैसे। जंगल काफ़ी है, झाड़ी आप देख सकते हैं, झाड़ी में जो है बच बच के चलना पड़ता है रात में, आँख में लग जाए कांटा या फिर शरीर में कहीं भी कांटा लग सकता है।
थोड़ी देर बाद भैंसें भी जो है बैठ जाएगी, पेट भर जाएगा, तो फिर जो हमें भी जो आग जला कर आराम करने का मौका मिलेगा। वैसे रात में थोड़ी थोड़ी देर बैठती रहती हैं, दो दो घंटे, उस वक्त हम आराम भी कर लेते हैं आग जला कर। ठंड कम पड़ती है, आग जलाएंगे तो ठंड जो है कम पड़ेगी रात में। अभी ठंड भी काफ़ी पड़ रही है रात में। दोस्तों रात के 12 बज गए और अब जाके भैंसें जो है बैठ गई हैं। अब थोड़ी देर के लिए आराम हमें भी मिलेगा। अब कहीं अच्छी जगह पर आग जलाकर थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। साढ़े चार रात के बज चुके हैं, अभी तक मेरी जो है आँख नहीं खुली थी, आराम भी कर लिया है। साढ़े चार बज गए, अब भैंसों को भी उठा देते हैं। भैंसे वहीं के वहीं बैठी है, उठी नहीं थी रात में। कुछ देर बाद सुबह भी होने वाली है। अभी ठंड बहुत पड़ रही है, अब पर जो है हाथ पैर सेक लेते हैं, इसी तरह से ठंड भागते हैं। दोस्तों अभी सुबह हो चुकी है और अब मैं भैंसों को लेकर जा रहा हूँ घर पे। रात तो बहुत आराम से निकल गई, बहुत अच्छी रात निकली। थोड़ी ठंडी ज़्यादा थी तो मैंने आग जला ली थी और रात निकल गई। देखें जंगल की सुबह कितनी खूबसूरत होती है।